हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मिस्टर टीएस ब्लॉग्स। दोस्तों का दोस्त मिस्टर टीएस ब्लॉग्स। तो दोस्त, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्ट होने वाला है, जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड देख करके समझ गए होंगे। आज का ब्लॉग जिम में होने वाला है, तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ, बने रहे कंटिन्यू। फिटनेस स्टे फिट के नाम से जिम है जो धरावी माही में आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं जिम। इधर दिखा रहा हूं आपको बैक कैमरा से। अभी सुबह के बज रहे हैं, लगभग 7 बजने वाले हैं, और 7 बजे से 8 बजे तक वर्कआउट करते हैं हम लोग। और चलिए फिर आपको जिम के ट्रेनर जो हमारे संतोष सर हैं उनसे मिलाते हैं, और फिर कुछ उनसे टिप्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और फिर दिखाएंगे। कोई इक्विपमेंट्स वगैरह सब दिखा रहा हूँ। ये इधर डंबल सेट पूरा रखा हुआ है, 2.5 केजी से लेकर के इधर 50 केजी का डंबल रखा हुआ है इधर। अभी सुबह का समय है तो लोग बहुत कम है। इधर कार्डियो रखा हुआ है। अभी सुबह का टाइम है तो इसीलिए बहुत कम लोग आए हैं, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग में उठना बहुत मुश्किल होता है लोगों को। इधर बैक का सेट रखा हुआ, इधर चेस्ट का है, और इधर थाई लेग। इधर पुल अप है, सारी मशीनें हैं इधर लगी हुई। इधर चेस्ट का टेबल, फ्लैट बेंच, डिक्लाइन, इधर बाइसिकल वगैरह। हमारे संतोष सर बैठे हुए हैं और इनसे कुछ बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट, और फिर आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स के थ्रू वीडियो वगैरह दिखाता हूं। तो अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूं वार्म अप से, फिर स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाऊंगा। आज देखते हैं सर क्या क्या लगवाते हैं। तो ये हमारे संतोष सर है, और इनके हिसाब से वार्म करना होता है या जिम करना होता है। यहाँ के ये ट्रेनर है, तो सर आज बताएंगे। आज इनका फर्स्ट डे है जिम में। जैसे कि जिम के पहले वार्म करना होता है, वार्म का बेनिफिट क्या है ये आपको पता नहीं। वार्म का बेनिफिट ये होता है कि आपको इंजरी ना हो। आप वर्कआउट करते हुए इंजरी होता है किस किस को, डॉक्टर के पास भी जाते हैं लेकिन डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाते। जब तक आप रेस्ट नहीं लोगे, जब तक वो इंजरी ठीक नहीं होती, तो इसी डॉक्टर भी नहीं बता पाता। इसके लिए पहले आपको वार्म अप करें जिम के पहले। आइए अभी बताते हैं हम वार्म अप। तो फ्रेंड्स, अभी संतोष सर कुछ बताएंगे, उसी हिसाब से करना है वार्म अप।
फ्रेंड्स, वॉक मेरा कंप्लीट हो चुका है।